ये यहाँ ब्लू जोन में अभी भी कैंप किया होता है, तो मैं इसकी भी पेटी बनाता हूँ। और तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक, बैक टू वेलकम, और स्वागत है आपका BGMI के ब्रांड न्यू गेम प्ले के वीडियो में। और हम आते हैं स्कूल, स्कूल आते ही मेरे हाथ सबसे पहले UMP लगी। UMP के मिलते ही तुम्हारा भाई सबसे पहले इस बंदे को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो भाग लेता है एक नीचे की ओर। अगर थोड़ी सी और पहले मुझे UMP मिलती तो ये भाग नहीं पाता। यहाँ स्कूल पे बहुत सारे बंदे आए होते हैं और मुझे उनके लोकेशन नहीं पता, तो मैं यहाँ से नीचे नहीं जाता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बंदों की लोकेशन पता करेंगे और जाएंगे नीचे। तब तक मुझे एक बोट दिखाई देता है, मैं यहाँ देखता हूँ कि दो बोट आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं इन दोनों की पिटाई करके इनको शांत करता हूँ और समझाता हूँ कि बेटा आपस में नहीं लड़ते। और तभी यहाँ पे कोई ब्रोकन वॉल से अंदर आता है। यहाँ इसके नोक डालते मुझे सामने एक और बोट दिखाई देता है। यहाँ पे बोटों की पिटाई करते करते मेरे UMP की एमो खत्म हो जाती है, तो मैं अपने टीममेट से गन लेता हूँ। यहाँ किल फीड में कोई एक सूट चमकाता है, तो हम सोचते हैं आज एक सूट वाले को हम मारेंगे, हमारे रहते हुए एक सूट कौन चमका रहा है। तभी यहाँ नीचे से कोई बंदा ऊपर आता है, और तुम्हारा भाई UG से इसकी भी पिटाई कर देता है। इसकी पिटाई करते ही मुझे यहाँ बोटों की दोनों किया होता उनकी किल्स मिलती है, और तभी यहाँ में किसी की साउंड आती है, तो मेरा टीममेट यहाँ से नीचे जंप करता है और वो बंदा इसी घर में होता है, तो मैं यहाँ इसको भी नॉक करता हूँ और इसकी पेटी बना देता हूँ। और अपने यहाँ पे हो चुके हैं पूरे 6 किल। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ स्कूल पे कोई नहीं होता, तो हम लोग लूट उठ करते हैं और निकल जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे अपार्टमेंट पे पूरे 3-4 टीम है, तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके उस बस स्टैंड वाले की पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी कोई मुझे पीछे से नॉक कर देता है और मुझे उसकी लोकेशन भी नहीं पता चलती। यहाँ पे आने के बाद मुझे डैमेज पड़ी और मैप में उस बंदे का मार्क भी नहीं आया। यहाँ हमें घरों में स्मोक करनी पड़ती है और मेरा टीममेट स्मोक करके मुझे रिवाइव देता है। रिवाइव होते ही मैं भी सबसे पहले 2 स्मोक फेंकता हूँ, फिर मैं खुद को हिल मारता हूँ। यहाँ पे 3-4 टीमें हैं, लेकिन कोई भी फाइट नहीं कर रही, सबके सब कैंप की होते हैं, तो हमें भी यहाँ पे कैंप ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बाहर गए तो हमें किसी की भी लोकेशन नहीं पता और हम पहले जाएंगे। तो हम भी यहाँ बहुत देर तक इसी घर में होल्ड करते हैं, और सामने से एक और गाड़ी अपार्टमेंट पे आ चुकी होती है। मैं यहाँ TPP लेके देख रहा होता हूँ, तभी कोई मुझे सामने से ओपन में भगते हुए दिखता है, तो मैं सबसे पहले उसकी पेटी बनाता हूँ, लेकिन उसको नॉक कोई और कर देता है। देख रहे हो यहाँ की कैंपिंग लेवल, यहाँ पे ओपन में भगोगे तो नॉक कोई और करेगा और पेटी कोई और बनाएगा। और जो इस बंदे को मारा है मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, तभी यहाँ मुझे कोई दिखाई देता है। मैं इसको कुछ बॉडी शॉट देता हूँ और वो भाग लेता है अंदर की ओर। जैसे यहाँ पे दोबारा से स्कोप ओपन करता हूँ, उसके पास होती है स्नाइपर और वो मुझे शॉट्स देता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। और फिर दोबारा से स्प्रे दिया, लेकिन वो इस बार भी बच गया, लेकिन बचेगा कब तक, एक बार बस और पिक कर दे। और ये जैसे ही पिक करता है, तुम्हारा भाई इसका भी काम खत्म कर देता है। इसको फिनिश करते ही अपने पास एमओ की कमी हो जाती है, तो मैं इसको लूटने आ जाता हूँ। और तब तक यहाँ पे भी जोन आ जाती है। जोन के आते ही हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई कैंप किया होता है और मुझे पीछे से डैमेज देता है। ये यहाँ ब्लू जोन में अभी भी कैंप किया होता है, तो मैं इसकी भी पेटी बनाता हूँ और हम निकलते हैं सेफ जोन की ओर। सेफ जोन में आते ही हमें यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं और लूटते हैं इस ड्रॉप को। इस ड्रॉप में मुझे मिलती है MG3 और मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे मिल गई MG3। अब मैं बंदों की पेटी है MG3 से चमकाऊँगा। लेकिन बहुत बुरा सीन होता है अपने साथ, हम यहाँ से लूट के जा रहे होते हैं और अपने ऊपर ये रेड जोन पीला जोन आ जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्या होता है और मुझे लगने लगता है कि ये लाल जोन अपने को खतरा दे सकता है, तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ मैं और तुम अलग अलग हो जाते हैं ताकि कोई नॉक हो तो दूसरा उसे बचा सके। तभी मेरे ऊपर ये लाल जोन गिरता है और मुझे नॉक कर देता है। मैं यहाँ सोचता हूँ कोई बात नहीं, नॉक ही तो हुए हैं, रिवाइव मिल जाएगा,
तभी दूसरा लाल जोन मेरे ऊपर गिरता है और मेरी पेटी बना देता है, और ये दोनों लाल जोन मेरे ऊपर ही। आखिर ऐसा क्यों? तो भाई लोग, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा सीन हुआ है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, चैनल पे भी लाल जोन गिराओ और सब्सक्राइब बटन को भी नॉक फिनिश करो। तो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।